छत्तीसगढ़ निर्वाचनेर दिके नजर राखबो। छत्तीसगढ़े आजके 20 आसने प्रथम दाफार भोट शुरू होयेछे सकाल थेके एबं एई निर्वाचनेर माझेई जे खबर पाओया जाच्छे आईडि विस्फोरण जखम होयेछेन एक सेना जवान एमनटाओ जाना जाच्छे। पाशापाशि मिजोरामे सेखानेओ किन्तु 40 आसने भोट ग्रहण शुरू होयेछे सकाल थेके। देखा जाच्छे भोटारदेर लम्बा लाइन। একদিকে যেরকম ছত্তিশগড় যেখানে বেশিরভাগ এলাকা মাওবাদী অধ্যুষিত, প্রথম দফার ভোটে যে সমস্ত এলাকা রয়েছে সুকমা, দান্তেওয়াড়া এবং সুকমাতে আইডি বিস্ফোরণ ইতিমধ্যেই নির্বাচনের মাঝে, যা ভাবাচ্ছে প্রশাসনকে। গণতন্ত্রের পরীক্ষার মুখোমুখি ছত্তিশগড় এবং মিজোরাম, প্রথম দফার ভোট গ্রহণ ছত্তিশগড়ে। এখানে 90টি বিধানসভা আসনের মধ্যে মাওবাদী উপদ্রুত 20টি আসনে ভোট গ্রহণ হচ্ছে। ইতিমধ্যেই আইজি বিস্ফোরণের খবরও পাওয়া গিয়েছে, একজন সেনা জওয়ান আহত হয়েছে বলেও জানা যাচ্ছে। সুকমায় সকালে বিস্ফোরণ হওয়ায় পরিস্থিতি থমথমে। মিজোরামে এখনও শান্তিপূর্ণ ভোট গ্রহণ চলছে। সকাল 7টা থেকে শুরু হয়েছে ভোট গ্রহণ, মোটের উপর শান্তিপূর্ণ। দু একটি জায়গায় বিক্ষিপ্ত গোলমাল ছাড়া ভোট পর্ব কোথাও ব্যাহত হয়নি। সকাল থেকে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে ভোটারদের আনাগোনা চোখে পড়ার মতো। অন্যদিকে ছত্তিশগড় ভোট নিয়ে প্রত্যেককে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যদিও ছত্তিশগড়ে ভোট শুরুর সময় থেকে মাওবাদী হানার আশঙ্কা করা হচ্ছিল, কারণ মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকা যে 20টি আসনে ছত্তিশগড়ে ভোট গ্রহণ হচ্ছে সেটি হচ্ছে মাওবাদী উপদ্রুত এলাকা। এবং ইতিমধ্যে সুকমাতে যে আইডি বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গিয়েছে, একজন সিআরপিএফ জওয়ান আহত হয়েছে বলেও কিন্তু জানতে পারা যাচ্ছে। মিজোরামেও বিস্তারিত কথা বলবো, ফোনে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি নীরা সাহু। नीराजी, क्या जानकारी मिल रही है छत्तीसगढ़ में आईडी ब्लास्ट की भी खबर आ रही है, क्या वहां पे अभी भी जो है मतदान ठीक तरीके से चल रही है या फिर कुछ वहां पे प्रॉब्लम हो रही है? हमने कथा बोलो हमारे प्रतिनिधि संगे। तभी छत्तीसगढ़ में भोट ग्रहण प्रक्रिया शुरू हो सकाल 90টি विधानसभा आसने मध्य 20টি माओवादी उपद्रुत কেন্দ্রে ভোট গ্রহণের মধ্যে রয়েছে বস্তার ডিভিশনের 7টি জেলা, বস্তার, দান্তেওয়াড়া, বিজাপুর, নারায়ণপুর, সুকমা, কোন্ডাগাঁও ও কাঁকের। বাকি 8টি লাগোয়া দুর্গ ডিভিশনের। শাসক কংগ্রেস এবং প্রধান বিরোধী দল বিজেপি সবকটিতেই লড়ছে, এছাড়া বিএসপি সহ কয়েকটি সর্বভারতীয় আঞ্চলিক দল রয়েছে। আমরা আবারও যোগাযোগ করেছি আমাদের প্রতিনিধি নীরা সাহুর সঙ্গে। নীরাজি, ক্যা জানকারি মিল রহি ছত্তিশগড় মে, ক্যুঁকি ওয়াহাঁ পে আইডি ব্লাস্ট কি ভি খবর আ রহি হ্যায়, ক্যা অভি তক মতদান ঠিক তরিকে সে চল রহি হ্যায় ইয়া ফির কুছ প্রবলেম হোতি হুই নজর আ রহি হ্যায়? जी, राजनांदगांव जिले की बात करो तो यहाँ पर सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ है और ये जो शहरी क्षेत्र का जो है यहाँ पर 8 बजे मतदान शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक मतदान का कार्यक्रम चलेगा। और यहाँ पर लगातार महिलाओं में, पुरुषों में और युवाओं में यहाँ पर उत्साह देखने को मिल रहा है। और रहा सवाल सुरक्षा दृष्टि को लेके भी लगातार पुलिस बल द्वारा यहाँ सभी जगह चकाचौंध पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। और किसी तरह से यहाँ तक अभी तक की अप्रिय घटना, जो राजनांदगांव जिले की बात करूँ तो अभी किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं घटी है। जी नीराजी, क्या लोग आ रहे हैं मतदान करने के लिए, उनमें उत्साह नजर आ रही है, आईडी ब्लास्ट की भी खबर आ रही है, क्या वहाँ पे डर का माहौल पैदा हुआ है, क्या जानकारी है? जी, कहीं ना कहीं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर लगातार नक्सल लोग, नक्सलवादियों का लगातार दहशत फैलाने का काम किया हुआ है गाँव में। तो गाँव क्षेत्र, जंगल क्षेत्र में कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है। वहाँ पर प्रत्याशी भी प्रचार प्रसार करने के लिए कहीं ना कहीं डरते हैं और जाते भी थे तो वहाँ पर मिलने के लिए भी वो एक दहशत का माहौल बना हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल सारे लोग जो है वहाँ पर मतदान करने के लिए आ रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और अगर हम देखें जो ये 20 जो सीट में चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे ज्यादातर नक्सल प्रभावी इलाका है, क्या वहाँ पे लोग आ रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं वो?
जी अभी तक का तो सुबह नक्सल क्षेत्र में लगभग 7 बजे सुबह से स्टार्ट है, वहाँ पर 3 बजे मतदान खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी जंगल क्षेत्र में भी सुबह 7 बजे से वोटिंग होने से पहले लंबी कतार पे लगे हुए हैं और वहाँ पर जागरूकता अभियान भी चलाया गया था गांव में शहर में, और निष्पक्ष होके निडर होके यहाँ पर अपना मत का मताधिकार का उपयोग करना, इस तरह से वहाँ पर दहशत किसी तरह की किसी के अभाव में या किसी तरह की किसी डर में नहीं है, इस तरह से कलेक्टरों के निर्वाचन अधिकारी यहाँ के जिला कलेक्टर के द्वारा अलग अलग संस्थाओं के द्वारा मतदाता जागरूकता भी अभियान चलाई गई थी, जिसके थ्रू वो उनको समझाइश भी दिया गया है कि किसी तरह की कहीं पर कोई संदेह होता है तो सूचना दिया जाए और निडर होके निष्पक्ष चुनाव अपना मत का मताधिकार का उपयोग करें। शुक्रिया, कथा बोललाम प्रतिनिधि नीरा शाहूर संगे। छत्तीसगढ़ सकाल থেকে শুরু হয়েছে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া। ভোট গ্রহণের মাঝেই আইডি বিস্ফোরণ, একজন সিআরপিএফ জওয়ান আহত। মাওবাদী উপদ্রুত 20টি আসনে কিন্তু আজকের এই নির্বাচন চলছে, এবং যেটা আশঙ্কা করা হচ্ছিল এবং নিরাপত্তাজনিত একটা যে আশঙ্কা তা তো থেকেই গিয়েছিল ছত্তিসগড়ের বিধানসভা নির্বাচনে।